नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त ब्रिजेश। जैसा आप सब लोग जानते हैं, रेलवे का RRB ग्रुप डी का रिजल्ट आ चुका है और जिसमें काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुए हैं और काफ़ी बाहर भी हुए हैं। तो हम उनमें से ये नहीं कर रहे हैं, मैं भी सेलेक्ट हुआ हूँ, लेकिन मैं नॉर्मलाइजेशन का पूरी तरह से विरोध करता हूँ। जो आपने जो फार्मूला यूज किया है नॉर्मलाइजेशन का, वो टोटली गलत है। लेकिन जो पहले आपका हम जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड थी, उसके द्वारा जो हम लोग के क्वेश्चन पूछे गए, तो उनका रिप्लाई भी आया है। तो उसी रिप्लाई का हम आपको कुछ बता दें उनके बारे में और उनके रिप्लाई का हम जवाब दे देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले वीडियो आप पूरा देखिएगा दोस्तों, अंत तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। तो पहले रेलवे बोर्ड से पूछा गया कि जो आप लोग नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो, तो क्या नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी है? तो रेलवे बोर्ड ने कहा कि जी बिल्कुल ज़रूरी है नॉर्मलाइजेशन। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो जो हमारे जो स्टूडेंट जो तेज तरार हैं, जो हार्ड शिफ्ट में हैं, वो पास नहीं होंगे, उनका नंबर बेकार हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो और फिर उन्होंने पूछा कि क्या जो नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका है, जो आपने फार्मूला यूज किया है, क्या वो सही है? तो रेलवे ने कहा जी बिल्कुल सही है, ये पिछले 19 सालों से चला आ रहा है और ये फार्मूला सही है, मैथमेटिकली है। तो ठीक है, आपने फार्मूला यूज किया है, मैथमेटिकली है, तो बस इतना हमें बता दीजिए कि क्या मैथमेटिक्स हर जगह पर सही होता है? एग्जाम्पल के तौर पर मेरी सोचिएगा, आप लोग मीन की बात करो ना, माध्य की बात करो, हम भी मीन की ही बात करते हैं। मीन का एक मेरे को एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, क्या वहाँ पर मैथमेटिक्स आपका काम करेगा? एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि अगर आप एक नदी है, नदी की गहराई है 4 फीट, नदी की गहराई 4 फीट है और 3 लोगों को उसमें पार होना है। जो एक लोग हैं उनकी ऊंचाई जो है 5 फीट है और जो दूसरे हैं उनकी ऊंचाई है तकरीबन 6 फीट के आसपास में, और एक बच्चा है जिसकी ऊंचाई है 3 फीट। तो जब इनका एवरेज निकाला गया तो उस इनका एवरेज जो है 4 फीट से अधिक आया। जब इनका एवरेज 4 फीट से अधिक आया तो इस हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो इन ये तीनों लोग नदी को पार कर जाने चाहिए। लेकिन क्या वाकई में पार कर जाते हैं? यहाँ पर तो मैथमेटिक्स फेल हो गया ना। तो फिर आप लोग क्यों बार बार कर रहे हैं मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है, हर मैथमेटिक्स लगा है वो सही हुआ है फार्मूला? तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो मैथमेटिकली लगाए वो सही लगाए हों, ठीक है। तो आप हमारी बातों को ध्यान सुनिए, अगर आपको नॉर्मलाइजेशन करने का इतना ही शौक है तो आप नॉर्मलाइजेशन, ये कोई नंबर जो खैरात का नंबर आप दे रहे हैं ना, इस नंबर को आप बंद कर दीजिए, ठीक है। जो खैरात का नंबर, इसको बंद करिए। अगर नॉर्मलाइज करने का है, आपको लगता है कि नहीं जो तेज तरार स्टूडेंट है वो छूट जाएंगे, तो आप इतने लड़के हैं उस हिसाब से अगर आप शिफ्ट को डिवाइड करते हैं, उस शिफ्ट में अगर आपको शिफ्ट वाइज अगर सीटों को डिवाइड करते हैं तो उसमें जो तेज तरार लड़के रहेंगे वो लोग सिलेक्शन भी हो जाएगा। और आपको जो खैरात का नंबर दे रहे ना, ये किसी को ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ अगर ऐसा करेंगे तो हमारे समझ से बहुत से लड़के संतुष्ट रहेंगे। इसमें फिर आपकी तरफ कोई भी लड़का या कोई भी स्टूडेंट जो भी आपकी तरफ है वो उंगली नहीं उठाएगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे ये वीडियो आपके रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास पहुँचे और जो लड़कों के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये नाइंसाफी बंद हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।